पर यहाँ इलेक्शन 25 मई को होने वाले हैं और मैं देख रहा हूँ कि पूरे रजौरी पुंछ के अंदर जबरदस्त सियासी गहमा गहमी के बीच यहाँ जबरदस्त इलेक्शन कैंपेन हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के जितने तमाम वर्कर हैं रजौरी पुंछ के अंदर इस समय घर घर और गांव गांव जाकर आवाम से मुलाकात कर रहे हैं। आज बॉर्डर के इस एरिए मेंढर के अंदर बालाकोट मनकोट और अड़ी और धारगुलून सागरा इन तमाम एरियाज में आज भारतीय जनता पार्टी के जो है एक मास कॉन्टेक्ट प्रोग्राम आवाम से हम खिताब कर रहे हैं और हम जम्मू कश्मीर की आवाम और बिलखसूसन अनंतनाग रजौरी पुंछ की आवाम से गुजारिश करते हैं कि ये जो पार्लिमानी इलेक्शन है जो 25 मई को यहाँ वोट पड़ने हैं, हम सबको मिलकर एक ऐसे उम्मीदवार को जिताना है जो यहाँ से जीत कर जाए और यहाँ की आवाम का खादिम बनकर खिदमतदार बनकर काम करे। एक ऐसा शख्स जिसके दिल में खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी का जज्बा हो, जो ईमानदार हो, जो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम करने का जज्बा रखता हो और जो यहाँ से जीतकर मरकजी हुकूमत जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर चले और यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए यहाँ के लोगों की डेवलपमेंट के लिए वो काम कर सके ताकि लोगों भला हो। इससे पहले जो यहाँ सरकारें रही कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी उन्होंने हमेशा रजौरी पुंछ के इस बॉर्डर के इन दोनों जिलों को हमेशा इन जिलों के साथ इस्तेसाल करने वाली जमातें कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी रही और आज जब मरकज के अंदर बीजेपी की हुकूमत आई मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने और हमारे होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब को जब मौका लगा तो उन्होंने रजौरी पुंछ की आवाम के साथ इंसाफ किया। मोदी हुकूमत ने पहला बड़ा काम किया जो गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को उनको हक दिए। गुजर बकरवालों के साथ बहुत बड़ा इस्तेसाल और जुल्म सितम माजी की सरकारों ने किया, आज गुजर बकरवालों को उनके हक अगर दिए तो मोदी हुकूमत ने दिए। और उसके बाद मोदी हुकूमत का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और इसी के चलते मोदी साहब ने पहले गुजर बकरवाल कबीले को हक दिए, उसके बाद पहाड़ी कबीले को भी हकूक जो उनकी देरी न मांग थी 70 साल से वो मोदी हुकूमत ने पूरी की। आज गुजर बकरवाल को भी इंसाफ मोदी हुकूमत ने दिया तो पहाड़ी कबीले को भी इंसाफ मोदी हुकूमत ने दिया है। आज जबरदस्त डेवलपमेंट इस रजौरी पुंछ के अंदर हो रही है, गांव गांव में सड़कें स्कूल हॉस्पिटल बिजली पानी ये मोदी साहब की देन है और जम्मू रजौरी पुंछ नेशनल हाईवे जो बन रहा है ये मोदी साहब की देन है और आने वाले सालों में रजौरी पुंछ रेल कनेक्टिविटी से जुड़े यहाँ रेल आए ये भी हम कोशिश करेंगे और इसलिए हम आवाम से ये गुजारिश कर रहे हैं एक ऐसा शख्स यहाँ से जीत के मेंबर पार्लियामेंट बने जो जीतने के बाद पार्लियामेंट में बैठ के मोदी हुकूमत के साथ मिलकर काम करे ताकि यहाँ के लोगों की और अधिक डेवलपमेंट हो सके। सारे काम मोदी हुकूमत ने किए हैं। मुगल रोड पर काम तब शुरू हुआ था जब हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर आन जहानी अटल बिहारी वाजपेयी साहब और मैं यकीन रखता हूँ कि जैसे मोदी साहब ने नेशनल हाईवे रजौरी पुंछ में पहुंचाया है उसका काम चल रहा है, यकीनन मुगल रोड पर टनल भी बीजेपी ही बनाएगी, नितिन गडकरी साहब यकीनन बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सियासी हमारे वर्कर हैं गांव गांव और घर घर पहुंच रहे हैं। हमारा मिशन है एक ऐसा शख्स अनंतनाग रजौरी पुंछ से मेंबर पार्लियामेंट जीत कर जाए जो लोगों का खादिम हो, जो खिदमतदार बन के काम करे, जो दर्द दिल रखता हो, जिसके दिल में गरीबों ज़ईफों मस्कीनों के लिए उनके दिल में मोहब्बत प्यार हो, जो गरीबों का मसीहा हो, जो ईमानदार हो, ऐसा शख्स जीत के अगर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जाएगा तो यहाँ के लोगों की बेहतरी होगी, गरीबों मस्कीनों ज़ईफों और बेसहारा लोगों को मदद मिलेगी।